हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कुवैत जाने के लिए पीसीसी क्या होता है, पीसीसी कैसे होता है, इसके अलावा पीसीसी कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कहां से आप पीसीसी कराएंगे, पीसीसी कितने दिन तक वैलिड होता है, उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, वो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा अगर आप कुवैत जाने वाले हैं तो। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, कुवैत में अगर आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, तो आपको इंडिया में पीसीसी भी कराना पड़ता है। पीसीसी का मतलब होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसको शुद्ध हिंदी में आप चरित्र प्रमाण पत्र भी कह सकते हो। इसके जरिए ये जाँच की जाती है कि आपके ऊपर कहीं कोई मुकदमा तो नहीं है, कहीं कोई पुलिस केस तो नहीं है, ये चीज़ें चेक की जाती है। तो पीसीसी का मतलब आप समझ गए होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें यह चेक किया जाता है कि पासपोर्ट बनने के बाद कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है, कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ें चेक की जाती है। पीसीसी के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता है, 500 रुपये उसकी फ़ीस कटती है। पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप पीसीसी के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना होगा, जिस भी पासपोर्ट ऑफिस का आपको आपने अपॉइंटमेंट लिया है उस पासपोर्ट ऑफिस में आपको विजिट करना होगा। ध्यान रखें, जब आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करेंगे तो आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर, इसके अलावा ओरिजिनल पासपोर्ट और आधार कार्ड ले जाना है पासपोर्ट ऑफिस में। पासपोर्ट ऑफिस में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा, जमा होगा, उसके बाद आपके संबंधित थाने पर इंक्वायरी आएगी। वहाँ पर इंक्वायरी आने के बाद चेक होगा कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई पुलिस केस तो नहीं है। उसके बाद जब रिपोर्ट लग जाएगी, रिपोर्ट लगने के बाद पासपोर्ट ऑफिस आपके पीसीसी को जारी कर देगा और फिर डिस्पैच कर दिया जाएगा। याद रखें, पहले पीसीसी आपको हैंड टू हैंड पासपोर्ट ऑफिस में मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पीसीसी आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के जरिए आएगा तब मिलेगा, पासपोर्ट ऑफिस में आपको पीसीसी नहीं मिलेगा, आपके एड्रेस पर पीसीसी आएगा। ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि पीसीसी कितने दिन तक वैलिड होता है। तो दोस्तों, जिस भी तारीख में आपका पीसीसी जारी होगा उससे 3 महीने तक आपका पीसीसी वैलिड होगा, यानी 3 महीने के अंदर आपके पासपोर्ट पर कुवैत का वीज़ा लग जाना चाहिए। अगर 3 महीने तक नहीं लग पाता है तो वो पीसीसी एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको नया अप्लाई करना होगा। ये चीज़ें हो गई पीसीसी को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीसीसी कब कराएं। तो पीसीसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कुवैत का वीज़ा आ जाए तब भी कराएं, आप पहले करा सकते हो। आपका वीज़ा निकलने वाला हो या निकल चुका हो या वीज़ा के लिए बात हो रही है तो पीसीसी आप करा सकते हैं। पीसीसी कराने के लिए मैंने बता दिया आपको, पासपोर्ट वेबसाइट पर, पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा, पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना होगा, आपकी इंक्वायरी आएगी, फिर पासपोर्ट ऑफिस से आपका पीसीसी डिस्पैच होगा। बहरहाल दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपके जहन में तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर फ्लाइट और ट्रेवल से रिलेटेड कोई सवाल है वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। इसी तरह की और भी उपयोगी जानकारी के लिए आप दोस्तों हमारे YouTube चैनल परदेसी फ्लाइट के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाकर जाएं, जिससे आपको हर जो भी जानकारी नई नई आती रहे वो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।